सुशांत राजपूत मामले की जांच के लिए मुंबई गई पटना पुलिस की टीम ने कई परेशानियां झेली थी, विपरीत परिस्थितियों में काम किया था। और स्थिति ये थी कि जब मुंबई गई पटना पुलिस की टीम वहां से लौटी थी, कई अधिकारियों की तबीयत खराब हो चुकी थी। हमारे साथ उस टीम के अहम हिस्सा है मनोरंजन भारती हैं, जो इंस्पेक्टर जिन्होंने उस टीम में एक खास भूमिका निभाई थी, जिनकी तस्वीरें हमने देखा था डीसीपी ऑफिस से बाहर किस तरीके से उन्हें धक्का देकर पुलिस वैन में बैठाया गया था। मनोरंजन जी, काफ़ी विपरीत परिस्थितियों में आपने काम किया था और उसका नतीजा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जाँच सीबीआई को दे दी, कैसा लगता है? मेरा मानना है कि मजबूत विभागीय ट्रेनिंग और मजबूत विभागीय कानून व्यवस्था में रहकर काम करने से एडवर्स कंडीशन में भी सफलता मिलती है, हौसला बुलंद रहता है। और हमारे सीनियर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें, और जो भारतीय लोकतंत्र है, न्यायपालिका है, इनके प्रति आम लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा है। थोड़ा सा बता देंगे कितनी परेशानियां आप लोग को हुई थी पटना टीम? जी, परेशानियां तो हमें होती रहती, लेकिन हमने बताया कि जो हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम किसी भी परिस्थिति में एडवर्स कंडीशन में भी किसी का काम को निकाल लेते हैं, ये हम लोग की ट्रेनिंग का हिस्सा है। कितना भी खराब कंडीशन हो, हमारी ट्रेनिंग का असर होता है। इसीलिए हम जो लोगों को एक मैसेज देंगे हमारे जूनियर्स को कि ट्रेनिंग बढ़िया से करें और हमारा जो अनुशासनिक व्यवस्था है डिपार्टमेंट का, उसमें बने रहें। अच्छा, एक मिनट, ये भी कहा कि जिस तरीके से आप लोगों ने जांच करने गया और जो नई चीज़ें खुल खुल कर सामने आते गए, जो बिल्कुल अलग थी, जो अब तक जांच में नहीं आए थे मोबाइल जांच में, आप लोगों को लगता था कि मामले की जाँच सीबीआई को जानी चाहिए? हाँ, नहीं, हम लोगों को लग रहा था कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए बढ़िया से। इसमें कहीं ना कहीं जाँच में कुछ कमी थी, जाँच होनी चाहिए था, इंसाफ मिलना चाहिए उनको। आपको लगता था कि इंसाफ में बाकी है जो जाँच? हाँ, कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, हमारे सीनियर्स ने तभी तो FIR किया, तभी तो हमको भेजा। अब तक आप लोगों ने कितने लोगों का बयान वहाँ दर्ज किया था? लगभग 10 लोगों का हम लोगों ने बयान किया, वो सीबीआई के बाद थोड़ा गोपनीयता है। इसीलिए हमारे साथ इंस्पेक्टर मनोरंजन भारती थे, जो मुंबई जांच के लिए गए थे। और साफ तौर पर चूँकि जांच का विषय है, लेकिन जो जांच हुई थी उससे तो साफ हुआ था कि कहीं नहीं कहीं कुछ कमियाँ जाँच में थी मुंबई पुलिस की, और जो मामले की जाँच जानी चाहिए थी। हालांकि मामले की जाँच अब सीबीआई को सौंप दी गई है और अब देखना यह कि सीबीआई इस मामले में क्या नतीजा उसका निकलता है। कैमरा मैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।